तो दोस्तों आपका स्वागत है आपके और हमारे इस YouTube चैनल मैथ्स परिवार पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम दो अंक वाली संख्या से बिना पहाड़ा बनाए किसी दूसरी बड़ी संख्या को कैसे भाग दिया जाता है वो सीखेंगे। आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और आप इस भाग को अच्छे तरीके से जान जाएंगे। दोस्तों इस टॉपिक पर यानी एक अंक वाली संख्या से किसी बड़ी संख्या को कैसे भाग दिया जाता है उस टॉपिक पर हमने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आप कर दीजिए हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो दोस्तों चलिए प्रश्न नंबर एक को देखते हैं। यहाँ पर हमें 8330 को भाग देना है 34 से, ठीक है, बिना 34 का पहाड़ा बनाए। आपको केवल 1 से 10 तक के टेबल यानी पहाड़े आने चाहिए और आप इनकी मदद से इस भाग को बड़ी आसानी से कर सकेंगे। तो चलिए इस भाग को करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 34 है, दो अंक वाली संख्या है, तो यहाँ पर हम ऐसे दो अंक ले लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 34 का पहाड़ा तो हमें आता नहीं, तो हम क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे जो कि हमें आता है, ठीक है। इस 3 को ऐसे छुपा लेंगे और इस 4 को ऐसे छुपा लेंगे। 3 का टेबल कितने तक पढ़ेंगे, 8 तक पढ़ेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9। 3 बार में हमारे पास 9 आ जाता है जो कि 8 से बड़ी संख्या है, तो हम कितने बार तक पढ़ेंगे, 2 बार तक पढ़ेंगे, ठीक है। और 2 को गुना कर देंगे 34 से, ठीक है। 34 गुना में 2, 2 चौके 8, 2 3 6, तो हमारे पास कितना आ गया, 68 आ गया, ठीक है। कितनी बार में आया, 2 बार में आया, तो 2 को हम यहां पर ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करना होता है, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाना होता है, ठीक है। तो 83 में से हम क्या घटाएंगे, 68 घटाएंगे, ठीक है। यहां पर 3 है, यहां पर 8 है, तो 3 81 ले लेगा, यहां से 13 बन जाएगा। 13 में से 8 गया, हमारे पास कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। हासिल देने के बाद यहाँ पर 7 बच गया था, 7 में से 6 गया, हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। दोस्तों अगर आपको संख्याओं का जोड़ घटाव गुना व भाग करना नहीं आता तो इसके बेसिक की हमने वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना बन गया, 15 बन गया, जो कि 34 से छोटी संख्या है, तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को बढ़ा लेंगे यानी 3 को नीचे उतार लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 153 बन गया जो कि 34 से बड़ी संख्या है। हमें क्या करना होगा, वही करना होगा तरीका जो हमने यहाँ पे किया था, ठीक है। इस 3 को हम ऐसे छुपा लेंगे और इस 4 को हम यहाँ पे ऐसे छुपा लेंगे। 3 का टेबल पढ़ेंगे कितने तक, 15 तक। तो 3 का टेबल 5 बार तक पढ़ने पर हमारे पास क्या जाता है, 15 आ जाता है। 3 5 15 होता है, तो 34 को कितने से गुना करना होगा, 5 से, ठीक है। तो 34 को 5 से गुना करते हैं, 5 चौके 20, 5 3 15 और 2 हासिल बच गया था, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 17, ठीक है। 170 बन गया, 170 153 से बड़ी संख्या है और हमें यहाँ पे 153 के बराबर या उससे छोटी संख्या चाहिए थी, तो हम क्या करेंगे, 34 को गुना कर देंगे 4 से, एक अंक कम से। तो दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी यहाँ के पहले अंक का पहाड़ा पढ़ते हैं और पूरा नंबर उसके पहाड़े में आ जाता है तो आपको क्या करना होता है, यहाँ वाले पूरे नंबर को एक अंक कम से गुना करना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 3 के पहाड़े में 15 आ गया था, पूरा पूरा आ गया था, 3 5 15, तो आपको क्या करना होगा, 34 को गुना करना होगा एक कम से यानी 4 से, ठीक है। तो 4 चौके 16, 1 हासिल बच गया, 4 3 12 और 1 13, तो 136 आ गया। 136 को हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं। अब क्या करना है, घटा देना है इसको, तो 3 में से 6 तो घटा नहीं सकते, तो 3 1 हासिल ले लेगा। 13 में से 6 गया, हमारे पास आ जाएगा 7, ठीक है। यहाँ पर हासिल देने के बाद कितना बच गया था, 4 बच गया था, 4 में से 3 गया, हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। अब 17 34 से छोटी संख्या होगी, तो हम क्या करेंगे, ये 136 कितनी बार में आया था, 4 बार में आया था, ठीक है। अब 17 34 से छोटी संख्या होगी, तो हम क्या करेंगे, 0 को ऐसे नीचे उतार लेंगे और इसको संख्या को बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब 170 ये जो 34 से बड़ी संख्या है, ठीक है, अब क्या करेंगे, सेम तरीका करेंगे जो हमने यहाँ पे किया था और यहाँ पे किया था। इस 0 को ऐसे छुपा लेंगे, एक अंक को छुपा लेंगे और यहाँ पर भी एक अंक को छुपा लेंगे। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितने तक, 17 तक। तो 3 5 15 होता है, 3 6 18 हो जाता है,
तो 18 17 से बड़ी संख्या हो जाती है, तो हमें कितनी बार तक पढ़ना होगा, 5 बार तक। ठीक है, तो 5 को गुना कर देंगे 34 से, जो गुना हमने पहले यहाँ पे की हुई है। ठीक है, तो 34 को 5 से गुना करने पर हमारे पास कितना जाता है, 170 आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। ठीक है, अब ऊपर भी सेम नंबर है, नीचे भी सेम नंबर है, तो ये माइनस होके हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रॉस 0 आ जाएगा। ठीक है, तो भाग करने के बाद आपके पास भागफल क्या आया, 245 आपके पास भागफल आ गया। ठीक है, और ये शेषफल है, इसको शेषफल बोलते हैं। जिस संख्या को हम भाग करते हैं उसको बोलते हैं भाज्य। ठीक है, और जिससे भाग करते हैं उसको बोलते हैं भाजक। दोस्तों आई होप ये भाग आपको अच्छे तरीके से आ गई होगी, तो चलिए इसका दूसरा सवाल भी देख लेते हैं। तो दोस्तों चलिए प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं, जहां पर हमें 12,864 को भाग देना है 24 से, बिना 24 का पहाड़ा बनाए। बड़ा ही सिंपल है, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था वही तरीका हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 2 अंक वाला नंबर है, 2 अंक वाली संख्या है, तो यहाँ पर हम ऐसे 2 अंक ले लेंगे जो कि 12 है। 12 24 से छोटी संख्या है, तो हम क्या करेंगे, 1 अंक ऐसे और ले लेंगे, यानी यहाँ पर हम 128 बना लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम 1 अंक को ऐसे यहाँ से छुपा लेंगे और यहाँ से ऐसे 1 अंक को छुपा लेंगे, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था वही तरीका हम यहाँ पर करेंगे। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे, कितने तक, 12 तक, तो 2 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 6 बार में आता है। ठीक है, तो 24 को गुना कर देंगे कितने से, 6 से। दोस्तों जब भी इस पहले अंक के टेबल में ये अंक पूरा पूरा आ जाए, तो हमें 24 को, यहां वाली संख्या को, यहां वाले नंबर को 1 अंक कम से गुना करना होता है। ठीक है, आइए देखते हैं कि कैसे ये हमें पता चलेगा। ठीक है, अब 24 को 6 से गुना करते हैं, तो 6 चौके 24, 2 हासिल बच गया। ठीक है, 6 दूनी 12 और 2 14। ठीक है, तो ये 144 बन जाता है, यहाँ पर कितना है, 128 है। इसलिए हमने बोला था कि जब भी यहाँ वाले पहले अंक का हम टेबल पढ़ेंगे और ये नंबर पूरा का पूरा आ जाए, तो हमें क्या करना होगा, जितनी बार में ये नंबर पूरा का पूरा आया उससे 1 कम वाले नंबर से इसको गुना करना होगा। तो 6 बार में आया था ये 12, यहाँ पे 2 का टेबल कितनी बार पढ़ने पर आया था, 6 बार पढ़ने पर 12 आया था, तो हमें 24 को कितने से गुना करना होगा, 5 से। ठीक है, 24 गुना में 5 कर देते हैं हम यहाँ पर, 5 चौके 20, 2 हासिल बच गया, 5 दूनी 10 और 2 12। ठीक है, तो 120 आ गया यहाँ पर, 120 हम लिख देते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्या करना होगा, हमें ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को घटाना होगा। कितनी बार में आया था, 120, 5 बार में, तो 5 को हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं। अब 8 में से 0 गया, 8 आ गया, और ये 12 में से 12 गया, एक क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना होगा, हमें 8 24 से छोटी संख्या है, तो हम 6 को नीचे उतार लेंगे और इस संख्या को बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब ये बड़ा ही आसान है, जैसा हमने यहाँ पे किया था वैसे हम यहाँ पर करेंगे। इसे 1 अंक को ऐसे छुपा लेंगे और इसे 1 अंक को यहाँ पर ऐसे छुपा लेंगे, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 के टेबल में 8 आता है, कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है, 2 चौके 8। ठीक है, पूरा पूरा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1 कम वाले नंबर से इसको गुना कर देंगे। कितनी बार में आया था, 8, 4 बार में, तो 24 को गुना करेंगे कितने से, 3 से। ठीक है, 24 गुना में 3। दोस्तों आपको ये बात अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, जब भी ये नंबर पूरा पूरा आ जाए तो आपको 1 अंक कम से गुना करनी है। ठीक है, 3 चौके 12, 1 हासिल बच गया, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कितना लिखना है, 72 लिखना है। कितनी बार में आया था, 3 बार में आया था, 3 आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको घटा देते हैं, 6 में से 2 गया, कितना आ गया, 4 आ गया, 8 में से 7 गया, 1 आ गया। ठीक है, 14 24 से छोटी संख्या हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, इसको, इस संख्या को बढ़ा लेंगे, यानी 4 को नीचे उतार लेंगे। ठीक है, तो यहां पर 144 बन गया।
अब क्या करेंगे, सेम तरीका करेंगे जो हमने यहाँ पे किया था और यहाँ पे किया था, ठीक है। एक अंक को यहाँ पर छुपा लेंगे, एक अंक को यहाँ पर छुपा लेंगे, दो का टेबल पढ़ेंगे कितने तक, 14 तक, ठीक है। तो दो के टेबल में 14 कितनी बार में आता है, 7 बार में आता है, ठीक है। पूरा पूरा आ जाता है, 2 × 7 = 14। तो हमें क्या करना होगा, इस 24 को एक अंक कम से गुना करना होगा, यानी 24 को कितने से गुना करना होगा, 6 से, ठीक है, क्योंकि 7 बार में 14 पूरा पूरा आ रहा है, ठीक है। 24 × 6 जो कि हमने यहाँ पे किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसी को ही हम यहाँ पर उठा लेंगे, ठीक है। 144 यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा। ये कितनी बार में आया, ये 6 बार में, ठीक है। तो 6 हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। अब इसको घटा देंगे, ऊपर भी सेम नंबर है, ऊपर भी सेम नंबर है, नीचे भी सेम नंबर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ये शेषफल बच गया जो कि 0 है, इसको शेषफल बोलते हैं, ठीक है। इसको भागफल बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं जिससे हम भाग करते हैं, और ये क्या होता है, भाज्य बोलते हैं इसको, ठीक है। आई होप ये सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे।